स्वीट है वॉइस, क्यूट है स्माइल और टीथ भी है यूनिक. वो है द हैंडसम, क्यूटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट टिकटॉक स्टार एंड इंटरनेट सेंसेशन दीपक जोशी. तो चलिए आप सभी के फेवरेट राजस्थानी छोरा दीपक जोशी के लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग से राज जानते हैं और ये भी जानेंगे कि इन्हें द मोस्ट पॉपुलर टिकटॉक स्टार रियाज अली के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है. 10th of April 2004 सिरोही राजस्थान के एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली में क्यूट और नॉटी से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम दीपक रखा गया. इन्हें सब प्यार से दीपू कहकर बुलाते हैं. इनकी फैमिली में माँ पापा और इनकी एक बहन है. ये अपनी फैमिली और सारे रिलेटिव्स के लाडले हैं. इसका कारण ये है कि इनकी चेहरे की मासूमियत और इनका स्वीट नेचर सबको बहुत पसंद आता है. अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो ये कभी टॉपर स्टूडेंट तो नहीं रहे हैं लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं. ये इस टाइम 11th में और ये कॉमर्स स्टूडेंट है और 2021 में अपने 12th के बोर्ड्स एग्जाम देंगे. ये अजीत विद्या मंदिर स्कूल सिरोही राजस्थान से अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं. अगर इनके फीमेल बेस्ट फ्रेंड की बात की जाए तो उनका नाम दीक्षा सुधार है. इनके मेल बेस्ट फ्रेंड का नाम चार बाज है. निशा, तुषार और सैल्वी से ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं. इवन सैल्वी चौहान से इनकी लिंकअप की खबरें भी आ रही हैं लेकिन दीपक और सैल्वी ने लाइव वीडियो में आकर ये क्लियर किया है कि वी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. और मैं आपको बता दूं दीपक और शाल्वी में बहुत ज़्यादा इस डिफरेंस है. इस टाइम शाल्वी 26 साल की हैं और दीपक ने अपने लाइव वीडियो में ये क्लियर किया है कि वो इस टाइम सिंगल है, उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है. दीपक भले ही सिंगल हो लेकिन सारे टीन गर्ल्स के दिलों में बसते हैं. अगर उनके अमेजिंग गॉगल्स की बात करें जो उनकी क्यूटनेस पे और चार चांद लगा देते हैं. एक्चुअली उनको पावर ग्लासेस नहीं लगे हैं. उन्होंने जब 23 अप्रैल 2019 को अपनी टिकटॉक जर्नी स्टार्ट की थी तो उनके पास शुरू शुरू में ना रिंग लाइट थी, ना अच्छा फ़ोन था और ना ही ट्राईपॉड था. वो सनलाइट में वीडियोस बनाते थे जिसके कारण धूप उनकी आंखों में जाती थी और वीडियो में बार बार उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी, जिसके कारण उन्होंने गॉगल्स पहनना स्टार्ट किया जो उनके लुक्स पे बहुत अच्छा लगने लगा और उनकी फैम को भी बहुत अच्छा लगने लगा. अब तो वो स्पेक्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये लुक लोगों को बहुत पसंद भी आता है. अप्रैल 2019 में अपनी टिकटॉक जर्नी उन्होंने स्टार्ट की. अगर देखा जाए तो अभी एक साल भी नहीं हुए लेकिन उनकी वीडियोस उनकी क्यूटनेस की वजह से शुरू से ही चलती रही जिसके कारण उनके लगातार फॉलोवर्स बढ़ते रहे. अगर आज उनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात की जाए तो टिकटॉक पर 6.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और इंस्टा पर 2,40,000 फॉलोवर्स हैं. इनके इतने तेजी से फैन बेस बढ़ने के कारण ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के उभर रहे हैं और इनका फर्स्ट इवेंट 29th of March दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है. अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी. तो इनका एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट आप विजिट कर लीजिए. एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका कंपैरिजन रियाज अली से किया जा रहा है. कारण ये है कि ये दोनों लगभग सेम एज के हैं और क्यूट भी बहुत ज़्यादा हैं और दीपक के इस टाइम वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं जिसके कारण ये बोला जा रहा है कि ये बहुत जल्दी रियाज अली के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए दीपक की फेवरेट की बात कर लेते हैं. इनका फेवरेट कलर ब्लैक है. इनका फेवरेट टिकटॉक स्टार दानिश जीहन है और ये प्योर वेजिटेरियन है और आफ्टर 12th ये मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं और अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स इम्प्रूव करके बॉलीवुड में नाम कमाना चाहते हैं. तो चलिए दीपक, आपकी सारी विशेष पूरी हूँ. इसी विश के साथ इस वीडियो को मैं यहीं करना चाहूँगी. एंड अगर आप कोई वीडियो डिमांड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस पहुँचे सबसे पहले आपके पास उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.